क्रांतिकारी जय भीम। बहुजन समाज में जन में अनेक महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए इस देश की एकमात्र आरएन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श मानते हुए मंच पे विराजमान मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि और दर्शक दीर्घा पे बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गो माताओं बहनों प्यारे साथियों सभी को इस दौर का क्रांतिकारी जय भीम। साथियों आज वो खुशी का दिन है, 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इस देश को वो अनमोल रत्न दिया जिसको कि हम संविधान कहते हैं। और बाबा साहब के अलावा ना किसी में इतनी हिम्मत थी, क्योंकि बैरिस्टर तो उस समय भी बहुत ज्यादा थे, लेके गांधी से नेहरू और अनेकों सरदार पटेल वगैरह ना पता कितने बैरिस्टर थे, उसके बावजूद एक लौते मसीहा बाबा साहब ने भारत देश को यह अनमोल रत्न दिया। और हमें आज मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो वो उसी संविधान की देन है जो मैं आप सभी के सामने बोल रहा हूं। साथियों कुछ मनवादी ताकतें आज के समय में हमारे भारत के संविधान को बाबा साहब के दिए हुए अनमोल उपहार को खत्म करने पे तुली हुई है। पहले तो वो मौखिक रूप से कहते थे अब हम संविधान बदलने आए हैं। आज के टाइम में बीजेपी की सरकारें कांग्रेस की सरकारें उनके मंत्री एमएलए सांसद चिल्ला चिल्ला कर अपनी सभाओं में कहते हैं संविधान बदलने आए हैं। बट अब 9 अगस्त को दिल्ली संसद मार्ग पे इन मनवादियों ने बाबा साहब के संविधान को पुलिस प्रशासन के सामने जलाने की हिमाकत की। साथियों आप सोच सकते हैं उस समय पुलिस प्रशासन कहां सोया हुआ था। पुलिस प्रशासन था और सिक्योरिटी लगी हुई थी, इसके बावजूद एफ आई आर दर्ज करनी थी, दिल्ली पुलिस को स्वयं करनी थी। बड़ा फैसला ले लेते हैं ये 20 मार्च को एससी एसटी के खिलाफ एक तुकलगी फरमान जारी करके एससी एसटी एक्ट को खत्म किया जाता है। 40 करोड़ देशवासियों को मूल निवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, पर ये भूल गए हम इस देश के इस घर के मूल निवासी है, मकान मालिक है। हमारे मूल निवासी योद्धाओं ने इतना जबरदस्त काम करके दिखाया तो अप्रैल को छोटा सा मजाक किया था, इनकी पतलू ने गिल्ली हो गई। बहुत कहते हैं संविधान बदलना है, काफी इन्होंने रोक किया, हमारे देश के हमारे 12 भाई शहीद हो गए उसमें। तो साथियों एक ही बात कहूंगा, ये कुर्बानी देनी पड़ती है, कुर्बानी का सिलसिला है। ये एससी एसटी एक्ट पहले की तरह बहाल हो गया। और साथियों यूटीवी की अगली क्वेश्चन, अब तक दिल्ली पुलिस ना पता कैसे सोई हुई है, संविधान जलाने वाले देशद्रोही आतंकवादी भगवा आतंकवादियों को पनाह दे रही है। एक बंदा दीपक गौड़ अरेस्ट किया था, 2 महीने में उसकी भी जमानत करा दी, जबकि देशद्रोह को लेके एससी एसटी एक्ट के तहत उस पर मुकदमा दर्ज हो रहा है। सरकार को उनको समर्थन प्राप्त है, जैसा वो चाहते वैसा होता है, इनकी मंशा रही है हमेशा संविधान विरोधी। साथियों मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए यही कहूंगा, इस देश में राम राम वालों की सरकार बन सकती है, राधे राधे वालों की सरकार बन सकती है, तो जय भीम वालों की सरकार क्यों नहीं बन सकती। इसके लिए घरों से सड़कों पर आना पड़ेगा, रोडों पर आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हम ये मुकाम हासिल कर पाएंगे। माननीय साहब काशी राम जी,
एक ऐसे मसीहा है जिनकी बदौलत आज हम बाबा साहब को जानते हैं, वरना मैं तो बाबा साहब को नहीं जान पाता। और बाबा साहब की बदौलत हम तथागत गौतम बुद्ध को जानते हैं। अगर यह मसीहा पंजाब में जन्मा मसीहा अगर निकल के घरों से अपने साइकिल पे, साथियों सारी सुख सुविधा हमारे पास, उस समय एक साइकिल से चलते 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 42,000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की, एक लौता मसीहा निकला। और वो मसीहा ऐसा निकला, आज पूरा समाज सड़कों पे है और इस समाज को सड़कों पे आने की जरूरत है। मान्यवर साहब जी एक बात और कहते थे, ये मनुवादी जितना हमें दबाएंगे ना, हम वो बीज है निकल गए और इनका सामना करेंगे, करके दिखाया। और आगे भी ये सिलसिला जारी है। एक साथियों एक बात और कहूंगा इस मंच के माध्यम से, भीमा कोरेगांव को इस देश में भी बहुत कम लोग जानते थे। 1 जनवरी 1818 में हमारे देश में क्या हुआ, पर ये मनवादियों की ओछी मानसिकता थी। आज देश विदेश में भीमा कोरेगांव को जानने लगे लोग बाग, और बताते हैं वो 500 महाराजाओं योद्धाओं ने 28,000 पेशवाओं को काट दिया था। अगर 28,000 को 500 से भाग करते 56 निकल के आता है। ये मोदी कहता 56, अरे 56 उस दिन भी हमने दिखाया था और आज भी दिखाने को तैयार है। ये बात बात में कहते हैं संविधान बदल लगे, साथियों समय है इस संविधान वालों को भी बदल देना, तो भी बदलने की बात करते हैं। उठो निकलो, 2019 में यह सत्ता बहुजनों की होगी। आप 5 राज्य में चुनाव है, महाराष्ट्र जिसमें, राजस्थान में एमपी में, छत्तीसगढ़ के तो हो चुके हैं, अभी फिलहाल एमपी में है, राजस्थान में। साथियों बड़ा राज्य आता है, आप इस राज्य से हमें अपने सत्ता का एहसास कराना पड़ेगा, बहुजनों की ताकत दिखानी पड़ेगी। आप यूपी में उपचुनाव हुए थे, फूलपुर गोरखपुर,